राघव चड्ढा ने बीजेपी पर सवाल दागते हुए कहा कि असल में बीजेपी सेना का सम्मान नहीं करती है। चलिए उनको आगे सुनते हैं। दिवाली पर सैनिकों के बीच जाना, बॉर्डर पर जाकर फोटो खिंचवाना, कैमरे के सामने उन्हें मिठाई खिलाने से सेना का सम्मान नहीं होगा। अगर सेना का असल सम्मान करना है तो शहादत के उपरांत उन्हें पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए, दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा होया जाए और कॉस्ट कटिंग की आड़ में ना उनकी पेंशन रोकी जाए ना उनका मुआवजा रोका जाए। यह है असल सम्मान। अगर भाजपा सरकार भारतीय सेना की वास्तव में सम्मान करती है, इज्जत करती है, तो फोटो खिंचवाना और मिठाई खिलाना बंद करे, हमारे अग्निवीरों को सम्मान देना शुरू करे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में सेना की और सेना से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनकी हालत कुछ इस प्रकार है कि ओआरओपी का अपना हक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए पूर्व सैनिकों को सालों तक भारत देश की सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। भारतीय सेना में भर्तियां खुलवाने के लिए देश के करोड़ों युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा और अग्निवीर योजना आने के उपरांत उसमें संशोधन करवाने के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए, उसके गलत पॉइंट्स को हटवाने के लिए देश के युवाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पे जो भारत की सेना का सम्मान नहीं करती। राघव चड्ढा के इन बयानों से लगता है कि वो अग्निवीर स्कीम को और सशक्त करने पर जोर देने को कह रहे हैं।